अच्छा, आप में से कितनों को लगता है कि वैक्सीन लगने से कोरोना से बचाव हो जाएगा? तो वैक्सीन लगवा दे, आपने कैंप लगवा दे वैक्सीन का, अच्छा रहेगा। आज का जो दिन है, अच्छा ये बताओ दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, जब से दिल्ली में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से अपना फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से आंगनबाड़ी अच्छी हुई कि नहीं हुई है? कि नहीं हुई होगा? इस बार और पिछली बार भी अगर आपको याद होगा, जब से कोरोना हुआ है, पिछली बार भी, पिछले साल भी और इस साल भी, दोनों साल केजरीवाल जी ने हर घर में मुफ्त का अनाज भिजवाया कि नहीं भिजवाया? भिजवाया कि नहीं भिजवाया? तो अपनी सारी जरूरतों का ख्याल कौन रखता है? अपनी सारी जरूरतों का ख्याल कौन रखता है? केजरीवाल जी। उसी सिलसिले में आज आंगनबाड़ी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से और सबने मिलकर के इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है कि जो चीजें चाहिए कोरोना से बचने के लिए वो हम आपको उपलब्ध कराएं। अगर उपलब्ध नहीं कराएंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि दो पैसे के चक्कर में जब आदमी जान गंवा देता है, हमने पीछे देखा इस कोरोना काल में किस प्रकार से जिन जिन लोगों ने सावधानी नहीं रखी, जवान जवान व्यक्ति चले गए, बहुत कम उम्र के व्यक्ति चले गए। तो हमने कोई बहादुरी नहीं दिखानी कि कोरोना से हम देख लेंगे, हमने अपनी जान बचानी है। चूंकि आप सारी माताएं बहने हैं, किसी व्यक्ति ने कहा कि अगर हमने महिलाओं पे काम कर लिया तो समाज पे काम कर लिया, अगर घर की महिला पढ़े लिख गई, अगर घर की महिला जागरूक हो गई तो पूरा घर जागरूक हो गया, समझे कि नहीं? इसलिए पुरुष कितना भी कह ले, जो योगदान महिलाओं का घर बनाने में है, जो योगदान महिलाओं का समाज बनाने में है, वो योगदान पुरुष का नहीं हो सकता। और मैं पुरुष बोल रहा हूं, समझे कि नहीं समझे? इसलिए कभी भी अपने आप को, समाज कहता है कि महिलाएं दुर्बल हैं, लेकिन महिलाएं दुर्बल नहीं है, महिलाएं सबल हैं। और महिलाएं जो है अपने घर को भी संभालती है, समाज को भी संभालती है और जरूरत पड़े तो देश को भी संभालती है, ठीक है? आज तो आज हरिता जी हमारी वॉलंटियर हैं, सरिता जी हमारे वॉलंटियर हैं, अरुणा जी हैं, संजय पटेला जी हमारे अध्यक्ष हैं, मैडम जो बोल रही थी आपको पहले, क्या नाम है इनका? अलका, क्या नाम है? अलका जी आपके आंगनबाड़ी के पूरे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पूरे माननीय विधानसभा के, अपने विधानसभा के जितने भी आंगनबाड़ी आते हैं सबके इंचार्ज यही है। तो जितनी भी आपको सहूलियतें मिलती हैं, आंगनबाड़ी कर अच्छा करने का प्रयत्न चल रहा है, ये सब के पीछे अलका का हाथ है। और आज जो ये
साबुन। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने बहनों को, बेटियों को, बच्चों को पता है कि ऐसे कौन से तीन काम हैं जिसे करते रहना जरूरी है कोरोना से बचने के लिए? कितनों को पता, हाथ खड़ा करो।